फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12 प्लस एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन का वाईफाई काम नहीं कर रहा है, वाईफाई में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फोन को ना एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में फाइल का ऐप होता है, इस फाइल का ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको ना नीचे की साइड में ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप जो लिखा हुआ है इसे टैप करना है, ठीक है। अब देखिए, आपको इस वाले पेज ना नीचे की साइड ये एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। अब आपको बैक पेज पे जाना है, ठीक है। अब जो है इसके भी बैक पेज पे जाना है, तो आपने जो एंड्रॉइड सिस्टम सेलेक्ट किया था ना, इसी पेज में देखिए सबसे ऊपर है इंस्टॉल ऐप पे टैप करना है। अब आपको इस पेज में ना नीचे की साइड आना है, ठीक है ना, नीचे की साइड आना है। नीचे की साइड आइए और यहाँ पर आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है मेटा सर्विस पे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर ये सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है। नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते ना, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिल जाए इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है। नीचे आपका पेज आता है, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले भी दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन का जो डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीके आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।